नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। यूपी के रायबरेली में कैनाल रोड पर शॉपिंग मॉल को जिला प्रशासन द्वारा बनी एक बिल्डिंग में खुले मेगा शॉप मॉल को अवैध बताते हुए सील कर दिया गया। विकास प्राधिकरण ने एसडीएम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बिल्डिंग को सील किया। अवैध बिल्डिंग। हाँ, तो क्या पाया गया, किस लिए आपने सीज कर दिया? अवैध थी। सर, अभी बगल में ही आरोप लगाया गया है, जो बगल की बिल्डिंग है उसे गिराने के आदेश है, अभी तक उस पर सर कब तक दिखवाएंगे? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब आपका आरडीए कहाँ था? बिल्डिंग बनते समय आरडीए कहाँ था? एक समय भी नोटिस दी गई, सारी नोटिस है आपने सर, तो बन कैसे गई? नोटिस दी गई, बन कैसे गई? नोटिस दिए पर बन कैसे गई? अगर नोटिस दिया गया तो बन कैसे गई सर? अब पूछो ना, जिसने तो आप कहाँ थे, आप जिम्मेदार है, आप कहाँ थे? हमने कार्रवाई किया। क्या कार्रवाई की गई थी? जो भी एक्ट में लीगल कार्रवाई होती है सारी की। क्या कार्रवाई? अगर आपकी निगरानी में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती नहीं, बिल्डिंग बन गई उसके बाद आप पास सीज कर रहे हैं? जो भी एक्ट में लीगल कार्रवाई की जाती है सब की। नहीं तो बिल्डिंग सर, एक जवाब ये, बिल्डिंग बन कैसे गई? आपके ऑफिस के बगल इतनी बड़ी बिल्डिंग बन कैसे गई? जो कार्रवाई हो सकती थी की गई। नहीं, यहाँ सीज करना पड़ा, बिल्डिंग बंद कैसे गई सर? एक जवाब बंद कैसे गई है, जवाब नहीं दिया जा सकता ना जी। बिल्डिंग को सील कर दिया, मेरा 2 करोड़ का माल इसमें भरा हुआ, नीचे दवाइयाँ भरी हुई हैं, उसके लिए प्रॉपर नोटिस जाती है अर्बन एक्ट में। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पैसा खा के रखा है। और मैं जनसत्ता लोक पार्टी का नगर युवा अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक प्रतिकोष का, और ये जितने मॉल वाले सब मेरी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। ये पूरी बिल्डिंग हमारी है, इसमें बगैर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, विकास प्राधिकरण सो रहा था। आरोप है कि विकास प्राधिकरण से आपके पास पेपर? कोई नोटिस नहीं, पूरी बिल्डिंग, अगर इसके अगल बगल कोई बिल्डिंग का नक्शा पास है तो बताइए, इसको गिरा दीजिए।